यकीनन कहानी जारी रखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम कर लें यहां एक प्रसिद्ध इस्लामी कहानी है जो हमें धैर्य और विश्वास की महत्ता सिखाती है। हजरत यूसुफ की कहानी हजरत यूसुफ अली सलाम एक महान पैगंबर थे जिनकी कहानी कुरान में विस्तृत रूप से वर्णित है उनकी कहानी में उनके जीवन की कठिनाइयों और सफलता का एक प्रेरणादायक संदेश है कहानी का सारांश हजरत यूसुफ को उनके पिता हजरत याकूब से बहुत प्यार था यूसुफ को उनके सपनों में एक विशेष स्थान मिला था जिसमें उन्होंने देखा कि उनके परिवार के सदस्य उनके सामने झुक रहे हैं यह सपना उनके भाइयों को जलन और ईर्ष्या का कारण बना उनके भाइयों ने सोचा कि यूसुफ को परेशान करके वे अपने पिता की नजर में बेहतर स्थान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए उन्होंने यूसुफ को एक कुएं में फेंक दिया और उसके बाद उन्हें एक व्यापारियों को बेच दिया ये व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए और वहां एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर बना दिया में यूसुफ ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की लेकिन एक दिन अमीर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया जिसके परिणाम स्वरूप यूसुफ को जेल में डाल दिया गया जेल में भी यूसुफ ने अपनी क्षमताओं और नेक दिली को साबित किया और अन्य कैदियों के सपनों की व्याख्या की कुछ समय बाद मिस्र के राजा ने एक सपना देखा जिसे यूसुफ ने सही तरीके से समझाया यूसुफ ने भविष्यवाणी की कि मिस्र में सात साल की फसल के बाद सात साल की सूखा पड़ेगा राजा ने यूसुफ की सलाह को माना और उसे देश का प्रमुख बना दिया यूसुफ की भविष्यवाणी के अनुसार मिस्र ने सूखे के वर्षों के दौरान खाद्य संकट से बचने के लिए पर्याप्त भंडार इकट्ठा कर लिया जब सूखा आया तो यूसुफ ने अपनी योजना के अनुसार खाद्य वितरण किया और मिस्र के लोगों की मदद की कुछ वर्षों बाद यूसुफ के भाई भी खाद्य सामग्री के लिए मिस्र आए और यूसुफ को पहचान नहीं पाए यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और परिवार को एकत्रित करने का निर्णय लिया अंततः यूसुफ ने अपने पिता और परिवार को मिस्र बुलाया और वे सभी खुशी से मिल गए कहानी की सीख हजरत यूसुफ की कहानी हमें धैर्य विश्वास और ईमानदारी की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और अंततः अल्लाह की मदद और कृपा से उन्हें सफलता और सम्मान मिला यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास और मेहनत से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं